बाबा धाम देवघर में आज सुबह 6 बजे दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में एक 3 मंजिला इमारत ढह गई। बता दें कि इमारत बम झाप पथ में स्थित है। घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन मौके पर पहुंची और NDRF के साथ अन्य बचाव टीमों को राहत एवं बचाव कार्य के लिए तैनात किया गया। हालांकि इस घटना में अभी किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली है। बता दें कि इस इमारत के मलबे में 6 से 7 लोगों के दबने की आशंका है। प्रशासन फिलहाल हटाने में जुटी हुई है। इस मामले में देवघर कमिश्नर विशाल सागर ने बताया कि सीता होटल के समीप एक बिल्डिंग गिरने की घटना सामने आई थी, जिसमें NDRF और स्वास्थ्य विभाग की टीम घटना स्थल पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य में जुट गई है। साथ ही दमकल और पुलिस विभाग द्वारा भी रेस्क्यू में मदद की जा रही है। देवघर कमिश्नर के मुताबिक मलबे में 6 से 7 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। बताया गया कि स्थानीय लोगों ने 2 बच्चों को सुरक्षित रेस्क्यू किया है। वहीं मौके पर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे और देवघर पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित रहे। बचाव कार्य जारी है। खबर मिली है कि स्थानीय लोगों ने अब तक 3 लोगों को और NDRF ने 1 महिला को सुरक्षित बचाव कर लिया है और सभी घायलों को इलाज के लिए देवघर एम्स भेजा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज़।